अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। आप और हम समर्पण करना जिस दिन सीख जाएंगे, उस दिन समझ लो सब प्राप्त हो जाए। तुम छोड़ो तो सही, छोड़ना ही नहीं चाहते। तुम क्या कर रहे हो, एक पैर यहां भी जमाए रखना चाहते हो और यहां भी जमाए रखना चाहते हो। दो नावों में रख के सवारी पैर नहीं होता, एक और जाना पड़ेगा। एक साध है सब सदै, सब साध है। प्राप्त तो हो जाएगा, प्राप्त होनी बड़ी बात नहीं है, मामला है आपके डिवोशन का, आपके समर्पण का। अगर आपके पास पूर्ण समर्पण है तो परमात्मा के पास भी पूर्ण समर्पण ही है, फिर वो पीछे नहीं हटता, वो पीछे नहीं हटता, वो निरंतर 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 आपके लिए काम कर रहा है। अंतर इतना है कि आप इस दर्शन को जाने, इसको समझें। अगर ये समझ लिया तो सब समझ लिया। ईश्वर से कामना कीजिए कि हमें ऐसा ही दर्शन प्राप्त हो, ऐसी ही स्थिति प्राप्त हो, ऐसा ही आनंद प्राप्त हो। आप जिस दिन सर्वस्व पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाएंगे, पूर्ण रूपेण वो आपके लिए समर्पित हो जाएगा। यू हैव टू बिलीव, आपको विश्वास करने की जरूरत है। अगर आपने विश्वास कर लिया तो तय मान के चलिएगा आपके साथ घटना घटेगी। विश्वास कीजिए, पूरी की पूरी इस मामले की कहानी सिर्फ विश्वास पे टिकी है साहब। अगर विश्वास है तो सब है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पूरा मामला विश्वास का है, आप माने या ना माने।